हाय हेलो नमस्कार मुझ जसवंत आपको स्वागत करुच्छ बिना चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्छी। आज जानते हैं आज हूँ पवित्र रथयात्रा, तो से आपको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा। आज आम भिडियो कौन कथ जाऊे ना जोटा कि बहुत पिला कमेंट थी कि सार आमको आहरी ऑब्स्टेट्रिक आ गायनेकोलोजी क्वेश्चन आणतु। तो आज आप मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट प्रोबेबली गायनिंग आमर रहा ऑब्स्टेट्रिक क्वेश्चन आनी आम आज डिस्कसन करवा। तो जमा ये भिडियो को स्किप करूँ ना लास्ट जाए भिडियो को देखु। हाँ आम यही भाव बहुत क्वेश्चन आंसर जोड़ा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आउ नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कसन कर सारे। जदि आपने सब भिडियो देखी ना जा डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छे देखिपारे ना चैनल को विजिट करेंगे। आउ गोटे कथ जदि आपको भिडियो भल लगुच निश्चय भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सब ग्रुप्रे आप सब सांग सहित सेयार करूँ जमी कि सब पिला भिडियोर लाभ पापारे। सब भिडियो भाई आम ए भिडियो में आपन नंबर आ सात नंबर में दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार जोटा कि आपको राइट आंसर कहार अच्छी। तो देखा केते पिला राइट आंसर दौरान आज जब राइट आंसर आपको जना अच्छी तो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम जापरबू कि केते पिला पाठ पढ़ा प्रति निश्चय कनसर्न अच्छा। जदि आप ह्वाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकर विजिट करूँ आउ जॉइन हो जातु जमीक छोट बड़ अपडेट सर्वप्रथमें आपने पारे। हाँ आउ गोटे कथ कही रखुच्छी यहाँ हूँ आम फोनपे आ पेटीएम नंबर जदि आपको ये भिडियो टिके भी हेल्पफुल लगी थाए टिके भी भल लगी थाए आम हार्डवर्क को आपने सपोर्ट करने चाहू था देन आपड़ी कैपेबल अनुजाई आपने किसी भी पेमेंट करेंगे। हाँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो देखिकी पेमेंट करते तो बहुत बहुत धन्यवाद यही भाव आमको सपोर्ट करूँ आम आपको यही भाव आहुरी इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो आसतु आज इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करवा। तो आज भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व गत जो भिडियो दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचारी तो तार राइट आंसर आपको कही रखुच्छी। तो मन रखुदूँ जोटा कि फास्ट आम इमेज बेस्ड क्वेश्चन था कौन थी ना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ इज कौन कही ना ये जो इंस्ट्रूमेंट देटा कौ इंस्ट्रूमेंट आपको चिन्हार आपको कहार ठीक अच्छे। भावी बहुत पिलाने राइट आंसर देते तथापि किसी पिला कन्फ्यूज होकर रंग आंसर देते जो मैंने भी जापार ना निश्चय एथर मन रखुदूँ जमी आप लाइफ जमा भी भूलें। तो ठीक अच्छे तो देखो ऑप्शन थिला गिलिस फॉरसेफ ना डेबी की फॉरसेफ ना स्पेंसर वेल फॉरसेफ ना आर्टसन फॉरसेफ। तो राइट आंसर आर कौन हम दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज आर्टसन फॉरसेफ ठीक अच्छे। तो यहाँ राइट आंसर कौन दैट इज आर्टसन फॉरसेफ। तो यहाँ हूँ आम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आर्टसन फॉरसेफ कहुए। तो यहाँ कौन पर यूज हुए आपको मुझे देखे दूसरी तरह एक्सप्लेनेशन देखते। तो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना आर्टसन फॉरसेप्स फॉरसेप्स टूथ आर द टिप यूज फॉर हैंडलिंग डेन्स टिश्यू सच एज इन स्किन क्लोजर अल्सो कॉल्ड लॉकिंग फॉरसेप्स दीज आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू होल्ड टिश्यू और ऑब्जेक्ट्स और प्रोवाइड हेमोस्टासिस कैन बी ट्रॉमेटिक और आट्रोमेटिक। तो कौन कहला ना आमर जो आर्टसन फॉरसेप रहिला एटा कौन पे यूज हुए ना जो तार टूथ थाए आम टीप्रे से कौन करे ना हैंडल डेन्स टिश्यू तो आम टिश्यू को धरवापर से हेल्प करे आ स्किन को क्लोज करवाई आम क्लोज करवाई आमको यहाँ हेल्पफुल होता है। तो ठीक अच्छे भाव आपचिंत बुझीपारे आर्टसन फॉरसेप को आम आउ कौन बोली दैट इज सर्जिकल ट्यूचर ठीक अच्छे। तो सर्जिकल आमर सर्जिकल ट्यूजर बोली आम आर्टसन फॉरसेप को कही था ठीक अच्छे। तो भाव निश्चिंत देखिथे निश्चय आपंकर वर्क सेक्टर में ना एवं मन रखुद जमीक आपने जमा ही भूलें। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को छा जोटा कि आप सेकेंड क्वेश्चन टी कौन थी पूर्व भिडियो देखते क्वेश्चन टी थी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन इन द इमेज यही जो ट्रैक्शन टी दि जाइए इमेज रे यहाँ कौ ट्रैक्शन आपको बतेबार कहार ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन दे देखूँ हैमिल्टन रसेल ट्रैक्शन ना बॉक्स ट्रैक्शन ना बैलेंस ट्रैक्शन ना गैलोज ट्रैक्शन ठीक अच्छे। तो भावुँ बहुत पिला राइट आंसर देते जोटा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज गैलोज ट्रैक्शन ठीक अच्छे। तो गैलोज ट्रैक्शन हूँ आम जो ट्रैक्शन टी दिखाई यहाँ हूँ गैलोज ट्रैक्शन जमा भी कन्फ्यूज होनी। तो यहाँ हूँ आम गैलोज ट्रैक्शन तो जमीक थे मन रखुद आ जमा भी भूलें ठीक अच्छे। तो गैलोज ट्रैक्शन आम कौन पर यूज हुए तार एक्सप्लेनेशन आपको मुझे देखे दूसरी देखो ना गैलोज ट्रैक्शन इज यूज टू इमोबिलाइज फीमर फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रेन अंडर टू इयर्स ऑफ एज विथ ए मैक्सिमम वेट ऑफ 12 केजी। गैलोज ट्रैक्शन इज ऑलवेज अप्लाइड बायलैटरली द हिप्स शुड बी लेबल एंड सस्पेंड जस्ट एबव द बेड टू ए हाइट सफिशिएंट टू पास ए फोल्डेड पिलो
केस बिनिथ द चाइल्ड्स बटम कौन कहला ना गैलोस ट्रैक्शन कौन हुए तार यूजेस कौन ना यूज टू इमोबिलाइज फिमर टोटल फिमर को इमोबिलाइज हेनी जोटा कि आमर जब फिमर फ्रैक्चर होता है देन यहाँ केज हुए ना टू इयर्स एज उथ ए मैक्सिमम वेट 2 years भितर हुए आ तार मैक्सिमम वेट जमीक जो पिलार हुए पिलांगर हुए तार 12 kg भितर होता दरकार तो आम गैलोस ट्रैक्शन कौन हुए ना बोथ हुए बोथ लेग रे हुए बायलैटरली आम दुईटा हिप्स आम उपरको टेक हुए जमीक गोटे पिलो ता भितर आम जाऊ मैंने पूरा एभव आम बटकटा टी टेक रहे ठीक अच्छे तो जे आम कौ ट्रैक्शन कहू दैट इज गैलोस ट्रैक्शन तो भल से इमेज टी आपको आउ थे देखे दूसरी देखूँ तो ये जो ट्रैक्शन टी आम कौन दैट इज गैलोस ट्रैक्शन ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज हेनी तो देखु निजे मन रखु ना निजे लिखिकी रखिपारे गैलोस ट्रैक्शन कौन बोली ठीक अच्छे तो आज इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करवा तो आज वीडियो फास्ट क्वेश्चन देखो आप कौन अच्छी फास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जोड़ा कि कौन अच्छी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलेक्ट ए सर्वाइकल स्मियर ठीक अच्छे तो सर्वाइकल स्मियर को आम कौ इंस्ट्रूमेंट क्या द्वारा आम कलेक्ट कर ठीक अच्छे तो भाव क्वेश्चन आपचिंत बुझीपारे तो ऑप्शन देखो कौन कोल्पोस्कोप द्वारा ना भाजाइनास्कोप द्वारा ना आयर्स स्पैचुला द्वारा ना पाइपर्स फोर्सेप द्वारा ठीक अच्छे तो कहा द्वारा आम सर्वाइकल मानने सर्वाइकल स्मियर आम कलेक्ट करता तो यही चार ऑप्शन भितर जब आपको राइट आंसर जना अच्छी तो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आयर्स स्पैचुला ठीक अच्छे आमर सर्वाइकल स्मियर आपण मैंने जानते सर्वाइकल स्मियर आम क्या द्वारा हुए दैट इज आयर्स स्पैचुला तो मुझको इमेज देखेदेवि सबू देखेदेवि जमा भी वीडियो को स्किप करना देखो आयर्स स्पैचुला कौन ना तो आयर्स स्पैचुला इज ए डिवाइस यूज टू कलेक्ट पाप स्मियर इट इज वुडेन स्पैचुला विथ यू शेप्ड ओपनिंग ऑन वन साइड एंड ए फ्लैट सरफेस ऑन अनदर द ब्रॉड एंड इज फॉर वजाइनल सैंपल कलेक्शन एंड द नैरो एंड इज फॉर सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन कौन कहला देखु आमर जोटा रहा आयर्स स्पैचुला कौन करे ना यहाँ हूँ आम पाप स्मियर पर यूज हुए आमर जो रहा सर्वाइकल आमर जो रहा सर्वाइकल आ वजाइनल सैंपल कलेक्शन करने यूज होता है यहाँ गोटे यू शेप्ड वुडेन स्पैचुला जोटा कि कौन हुए तार जो गोटे एंड रहा वजाइनल सैंपल पर कलेक्शन होता है आउ जो नैरो एंड रहा सर्वाइकल सैंपल मान कलेक्शन होता है ठीक अच्छे देखो यहाँ कौन देना ना इट इज रोटेटेड 360 degrees इन द वजाइना टू ऑब्टेन द सेल्स to be sent for pap smear examination तो कौन कहला ना आम एटा मान एटा को एंट्री करी 360 degree बुला हुए जोटा कि आम पाप स्मियर तापर एग्जामिनेशन को पठा हुए ठीक अच्छे तो भाव आप एक्सप्लेनेशन निश्चित बुझी जाइए आयर्स स्पैचुला कौन आम केमी कौन यूज करूँ तो तार इमेज टी देखे देखो यटा रहा आम सर्विक्स तो सर्विक्स भितर आम कौन हुए ना आयर्स स्पैचुला जोटा कि आपको इमेज रे देखे देखो यहाँ आम ये एंट्री हुए आईटा बुला हुए मैंने 360 degree बुला हुए देन जो स्मियर आसला देखें एग्जामिनेशन फर्दर एग्जामिनेशन को पठा हुए ठीक अच्छे तो देखो आम आयर्स स्पैचुला जोटा रहा तार इमेज टी केमी देखो आम यहाँ हूँ आम आयर्स स्पैचुला ठीक अच्छे तो यही जो पटटा आम कौन हुए ना सर्वाइकल आम जो रहा स्मियर पर कलेक्शन आम यूज होता है ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चिंत बुझीपारे आपको इमेज टी आपको देखेदेली तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो 2 number क्वेश्चन एंड इनसीजन मेड इन टू पेरिनियम टू एनलार्ज द वजाइनल आउटलेट ड्यूरिंग डेलीवरी इज कौन कहला ना गोटे जो आम इनसीजन हुए पेरिनियम रे टू एनलार्ज द वजाइनल आउटलेट वजाइना आउटलेट को टी एनलार्ज करने ड्यूरिंग डेलीवरी टाइम आम कौन बोली कही था एमिनोटोमी कहू ना एपिसोटोमी कहू ना सीजरियन कहू ना फोर्सेप्स डेलीवरी कहू तो ठीक अच्छे देखा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तो कते पिला राइट आंसर दौरान जब आपको जना अच्छी तो सांगे सांगे तले सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु ठीक अच्छे तो कौन हबार राइट आंसर दैट इज कौन दे देखूँ क्वेश्चन भल से पढ़ू ना कौन होबार अच्छी ना गोटे इनसीजन हम जोटा कि पेरिनियम हम इनसीजन कौन पाई ना टू एनलार्ज द वजाइनल आउटलेट डेलीवरी टाइम रे आमर वजाइना आउटलेट को टिके एनलार्ज करिया पई आमर जो इनसीजन टी हुए पेरिनियम ना हम ताको कौन बोली कहि थाउ ठीक अछि ऑप्शन भितर को राइट आंसर कोटा हबो दैट इज ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर दैट इज एपिसोटोमी। ठीक अच्छे ताको आम कौन बोली कहू दैट इज एपिसोटोमी जोटा कि आम एपिसोटोमी सीजर रे ताको कट कर इनसीजन करें को प्रोसीजर कहू दैट इज एटा एपिसोटोमी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एपिसोटोमी कहले कौन बुझे मुझे रखुच्छे देखो आन एपिसोटोमी इज एन इनसीजन मेड इन द पेरिनियम द टिश्यू बिटवीन द वजाइनल ओपनिंग एंड द आनस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो कौन कहला आम जो वजाइना और आनस भितर जो टिश्यूटी रहा तो से कौन हुए ना आम इनसीजन होता है कट होता है कौन पर चाइल्ड बर्थ टाइम यहाँ मेनली होता है। तो ठीक अच्छे तो देखो इमेज टी आपको देखिए देखो ये कौन देखिए जो रहा आमर वजाइनल एंड ये आनस तो ये वजाइनल आनस जो टिश्यू रहा ये देखो कट हो जाए। ठीक अच्छे तो आर बहुत टाइप्स भी अच्छी जोटा कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को पढ़े तो देखो आम यही भाव एपिसोटोमी होता है गोटे टाइप अफ एपिसोटोमी जो थी कि आम पेरिनियम देखते गोटे प्रकार कट बा गोटे इनसीजन हो। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी जोटा कि तीन नंबर क्वेश्चन आपं अच्छी आपको ये क्वेश्चन टी कहार अच्छी तो देखो क्वेश्चन टी भल से देखो कौन देखिए ना आइडेंटिफाय द ऑब्स्टेट्रिक्स इमेज। तो ये जो ऑब्स्टेट्रिक इमेज टी देखिए यहाँ कोई इमेज आपको कहार अच्छी भल से देखो इमेज भलसे देखु ऑप्शन टी भलसे पढ़ु देन जाकि राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट पुट कर दिखाँ। ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखो आट्रिफर्सेप एटा ना सर्वाइकल डायलेटर एटा ना भासेलम एटा ना वजाइनल क्लैंप एटा। ठीक अच्छे तो आर राइट आंसर कौन हम जदि आपको जना अच्छी तो सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु मुझे कमेंटर अपेक्षार अच्छी आपंकर कमेंटर निश्चय रिप्लाय देवी। ठीक अच्छे तो भलसे आगे इमेज टी देखु यहाँ कोई इमेज जदि आप जानते तो चार्ट ऑप्शन भितर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आर राइट आंसर कौन हम। तो ठीक अच्छे जदि आपको राइट आंसर जाना ना तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ मुझक आर राइट आंसर सहित फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको करदेवी। ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना जमा भी वरीड हूँ ना। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी चार नंबर देखो चार नंबर क्वेश्चन कौन देखिए ना एपिसोटोमी इज बेस्ट डन एंड कमनली प्राक्टिस्ड इन कौन कहला ना आम एपिसोटोमी कौटा मानने बेस्ट मेथड बामर एपिसोटोमी कमनली प्राक्टिस कौटा को यूज हुए मुझे कही एपिसोटोमी आम बहुत टाइप्स अच्छी आम एपिसोटोमी आम बहुत इनसीजनटा आम बहुत टाइप रही तो आपको ये कहार अच्छे कि मोस्ट मोस्ट कमनली मोस्ट बेस्ट आम प्राक्टिस कौटा आम एपिसोटोमी होता है देखो मेडियन ना ऑप्शन बी लैटरली ना मेडियो लैटरली होता है ना जेड सेप्ड जे सेप्ड होता है सॉरी जे सेप्ड होता है। ठीक अच्छे तो ऑप्शन चार निश्चय भावी आपने बुझीपे मेडियन एपिसोटोमी होता है ना लैटरली एपिसोटोमी होता है ना मेडियो लैटरली एपिसोटोमी होता है ना जे सेप्ड आम एपिसोटोमी होता है। तो मेनली मोस्ट कमन आउ बेस्ट आम कौ चारिटी भितर आम एपिसोटोमी होता है। ठीक अच्छे तो देखा केत रईट आनसर दौरान तो रईट आनसर कौन हम दैट इज एपिसोटोमी जो मोस्ट कमनली प्राक्टिस होता है तार एटा राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज मेडियो लैटरली। ठीक अच्छे मेडियो लैटरली जो आम एपिसोटोमी होता है सेटा होची मोस्ट कमन आम बेस्ट प्राक्टिस जोटा आमर होता है एपिसोटोमी। ठीक अच्छे तो मेडियो लैटरली आपण मैंने मन में क्वेश्चन आसो कि ये सब चार्ट ऑप्शन ये सब कौन ये सब गोटे गोटे एपिसोटोमी। ठीक अच्छे एपिसोटोमी कहे गोटे गोटे कट आम कौ सेप्रे कट होटी कट होटा डिपेंड कै तो आपको मुझे इमेज में देखेदेवी जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना जमा भी भिड को स्कीप करूँ ना। ठीक अच्छे आगे देखे दूसरी मेडियो लैटराल इनसीजन कहे आम कौन बुझा ये मेडियो लैटराल इनसीजन इज डन आट एन आंगेल ए मिडलाइन इनसीजन इज इजियर टू रिपेयर बट इट हाज ए हायर रिस्क अफ एक्सटेडिंग इन टू दि आनाल एरिया ए मिडियो लैटराल इनसीजन अफर्स दि बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रम आन एक्सटेडेड टीयर आफेक्टिंग द आनाल एरिया बट इट इज अफन मोर पेनफुल आंड इज मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर। तो कौन कहला ना आम मेडियो लैटराल जो इनसीजन टी रहा यहाँ मोस्ट आम प्रिफर कराए बेस्ट आम कमनली यूज होता है किंतु जदि आम मेडियल मेडलाइन में इनसीजन करुचे जोटा कि आम कौन होता है ना रिस्क अफ एक्सटेडिंग इन टू आनाल एरिया जोटा कि आम आनाल एरिया रहा आम हायर रिस्क था कि एक्सटेडिंग तो से मोस्ट कमनली यूज हुए नहीं कौन यूज हुए ना मेडियो लैटराल इनसीजन यूज होता है। ठीक अच्छे तो भाई आपने कन्फ्यूज होते जमा बुझीपार नए हाँ धर्य धरतु आपको इमेज टी देखेदे निश्चिंत आपने बुझीपरेंगे देखो
କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରହିଲା ଭାଜାଇନା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ରହିଲା ଆନସ୍। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜ୍ଟି, ଯେମିତି ଆଉ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଭାଜାଇନା, ଦେନ୍ ଏଇଟା ରହିଲା ଆନସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ମେଡ଼ିଆନ। ମେଡ଼ିଆନ କହିଲେ ଆମର ଭାଜାଇନା ଆଉ ଆନସ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମର ଟିୟରିଂ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼ିଆନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ମେଡ଼ିଆନ, ତ ଆମର ଯଦି ଏଇ ପୁରା ସିଧା କଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିଆନ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିଓଲାଟ୍ରାଲ। ମେଡ଼ିଓଲାଟ୍ରାଲ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମେଡ଼ିଓଲାଟ୍ରାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଟ୍ ଯଦି ହେଉଛି ଆମର, ବା ସାଇଡ୍ ଟାଇପ୍ର କଟ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମର ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼ିଓଲାଟ୍ରାଲ। ଦେନ୍ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ। ଯଦି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ଏପିସୋଟୋମି ହେଉଛି, ତ ଆମର ଏଇଠି କଟ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ନମ୍ବର ଜେଡ୍ ସେପ୍, ଜେଡ୍ ସେପ୍ରେ, ଜେ ସେପ୍ରେ, ସରି, ଜେ ସେପ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜେ ସେପ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯଦି କଟ୍ ହେଉଛି ବା ଏପିସୋଟୋମି ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେ ସେପ୍ ଏପିସୋଟୋମି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା, ମୋଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତ ଆମର ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼ିଓଲାଟ୍ରାଲ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଇମେଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜେ ଆପଣ ଖାତା କଲମରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଛକୁ ନେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫେଲୁଅର୍ ଅଫ୍ ୟୁଟେରସ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ୟୁଟେରସ୍ ଯଦି ଆମ ତାର ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍କୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ, ଯେନ୍ ଯିବା ଅପ୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ନା ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରୁଜନ୍ କୁହାଯାଏ ନା ରିଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଟେରସ୍ ତା ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍କୁ ଯାଉନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମର ୟୁଟେରସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ତାର ସାଇଜ୍କୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଅଫ୍ ୟୁଟେରସ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସହିତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଫ୍ଟର ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ଦ ୟୁଟେରସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ୟୁଟେରସ୍ ତା ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍କୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଏଟା ଦେଇଛି ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ୟୁଟେରସ୍ ତା ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍କୁ ପଳଉଛି ଆଫ୍ଟର ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତାକୁ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି ବା ଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରୋଟ୍ରୁଜନ୍ ଏଠି ତ କେବେ ହେବନି, ପ୍ରୋଟ୍ରୁଜନ୍ ମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବା, ଏଇଟା ପ୍ରୋଟ୍ରୁଜନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ରିଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ, ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ କି ସବ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟମ୍ ହାମରେଜ୍ ଇଜ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର PPH, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, PPH ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିବେ। ତ PPH ବା ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟମ୍ ହାମରେଜ୍ରେ ଆମର କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଯଦି ଲସ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ PPH କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, 200 ml ଲସ୍ ହେଲେ ତାକୁ PPH କହିବା ନା 300 ml ନା 400 ml ନା 500 ml। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଚାରିଟି ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମର PPH କହିଲେ ବା PPH କହିଲେ ଆମର କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ଆମର ଲସ୍ ହେବାକୁ ଆମେ PPH ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 500 ml, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର 500 ml ଯଦି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି ବା ହାମରେଜ୍ରେ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ଆଫ୍ଟର ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ PPH, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆମର PPH ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇମେରୀ PPH ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ PPH। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇମେରୀ PPHରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରାଇମେରୀ PPH ଆଫ୍ଟର ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥରୁ 24 hours ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ PPH। ଆଉ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ PPH ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ PPH ହେଉଛି ଆମର 24 hoursରୁ ଏଭବ୍
एंड आमर रहा जो प्यूरीपेरियम पीरियड दैट इज सिक्स वीक्स भितर जब आम होने कौन बोली कहू सेकेंडरी पीपीएच ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चय बुझीपारे प्राइमरी पीपीएच आ सेकेंडरी पीपीएच कौन बोली ठीक अच्छे तो देखो आपको एक्सप्लेनेशन कही रखु देखो पोस्टमार्टम हेमरेज इज कमनली डिफाइंड एज ए ब्लड लॉस ऑफ 500 ml और मोर विथ 24 आवर्स आफ्टर बाथ तो कौन कहला ना आम पीपीएच कहले कौन ना दीदी 500 ml आम हेमरेज आम ब्लड लॉस हो 24 आवर भितर देन आम कौन बोली कहू दैट इज पोस्टमार्टम हेमरेज बोली कही थो पीपीएच इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी इन लो इनकम कंट्रीज एंड आर द प्राइमरी कॉज ऑफ नियरली 1/4 ऑफ ऑल मैटरनल डेथ ग्लोबली मोस्ट डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम पीपीएच अकरिंग ड्यूरिंग द फास्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ द मेजॉरिटी ऑफ दिस कुड बी अवॉइडेड थ्रू द यूज ऑफ प्रोफाइलैक्टिक यूटेरोटोनिक्स ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड बाय द टाइमली एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कौन कहला आम पीपीएच बहुत आम मैटरनिटी डेथ होता है तो जदि आम मैटरनिटी डेथ को कमेप कौन कराइक पड़ो ना जो थर्ड स्टेज रहा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आमको जदि एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट आम करवा देन आम भावे पीपीएच आम कमिज ठीक अच्छे तो भावे आप निश्चित बुझीपारे पीपीएच कौन आ पीपीएच के ब्लड लॉस है पीपीएच बोली कहे तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सात नंबर जोटा कि आपं मुझे सात नंबर क्वेश्चन भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आपंपाई क्वेश्चन टी अच्छी देखो भलसे क्वेश्चन टी आगे पढ़ा देखो कौन दे द डिवाइस इज शोन इन द इमेज इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ व्हिच कंडीशन ठीक अच्छे कौन कहला ना ये डिवाइस टी एटा आम कौ मैनेजमेंट बा कहार मैनेजमेंट यहाँ यूज होता है इमेज टी भलसे देखी निप्सन टी आपको मुझे कही रखुच्छी देखो चारिटे अप्सन आपको देदेगी जोटा कि आपको राइट आंसर बाछबार अच्छे देखो अप्सन ए दैट इज भारिकोज वेन रु आमको यहाँ रिलीफ करे मैनेजमेंट आम यूज कर ना सेलुलाइटिस मैनेजमेंट यूज कर डीवीडी मैनेजमेंट यूज कर हाइपोथर्मिया थर्मिया मैनेजमेंट यूज कर तो इमेज टी भलसे देखु ऑप्शन भितर आम राइट आंसर कौटा हम जल्दी तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आपर कमेंटर अपेक्षार रही तो जो पाला राइट आंसर जना अच्छी तो तले कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु तो देखा केत पाने राइट आंसर दौरान आते पाने पाठ पढ़ा प्रति कनसर्न अच्छा आ ट्रिपल सी एक्जाम प्रति कनसर्न अच्छी ठीक अच्छे तो देखु से इमेज देखो ऑप्शन भितर कौटा राइट आंसर हम निश्चय तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो कौन दे नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस इज कौन कहला ना आम नॉर्मल ड्यूरेशन केते इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस जोटा कि आपको मुझे पूर्व कही इन्वोल्यूशन माने कौन दैट इज आमर जदि गोटे आम जो रहा यूटेरस जदि आम आफ्टर बाथ जदि यूटेरस तार नॉर्मल स्टेज को आम रिटर्न करुच्ची देन ताको आम कौन बोली कहू दैट इज इन्वोल्यूशन बोली कही था ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन कौन दे नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन से जो इन्वोल्यूशन जोटा कि आम यूटेरस नॉर्मल स्टेज को तार जाऊँगी आफ्टर बाथ तो से जो तार के ड्यूरेशन के टाइम के आमर से कम्प्लीट हो जाऊँच तो ठीक अच्छे तो देखा राइट आंसर कौन हम ऑप्शन देखो 2 months भितर आम यूटेरस इन्वोल्यूशन हो जाऊँच ना 6 weeks भितर ना 1 month भितर ना 2 week भितर तो ठीक अच्छे देखा केत पा राइट आंसर दौर तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन तो आम के ड्यूरेशन आम इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस हो जाए नॉर्मली ठीक अच्छे तो देखा राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन बी 6 weeks तो 6 weeks बा आम 6 सप्ताह भितर कौन हुए ना इन्वोल्यूशन हो जाए आम यूटेरस तार नॉर्मल साइज को शेप को पलाए ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज हेनि निश्चय मन रखु ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप निश्चय आसव आ हाँ जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना जैसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल रखु ये वीडियो को जिते पार्टी आपंग सहित आप सब ग्रुप वीडियो को शेयर करूँ ठीक अच्छे तो आपको मुझे देखे दूसरी देखो आम यूटेरस इन्वोल्यूशन कहले कौन बुझाए देखो यूटेरस इन्वोल्यूशन इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स योर प्रेग्नेंट यूटेरस रिटर्निंग टू इट्स प्री प्रेग्नेंसी स्टेट द प्रोसेस बिगिन्स आफ्टर यू डिलीवर योर बेबी एंड द प्लासेंटा एंड टेक्स अबाउट 6 weeks टू कंप्लीट
ୟୁ ମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ୍ କ୍ରାମ୍ପସ୍ କଲ୍ ଆଫ୍ଟର ପେନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ୟୁଟେରାଇନ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ୟୁଟେରାଇନ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଫ୍ଟର ଆମର ଡେଲିଭରି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ଆମର ୟୁଟରସ୍ ତା'ର ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଯାଏ ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ୟୁଟରସ୍ର ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କହୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବାଉଟ୍ 6 weeks ଭିତରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ୟୁଟରସ୍ ତା'ର ପଳାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ମେନ୍ଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପେନ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟୁଟେରାଇନ୍ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 9 number କ'ଣ ଦେଇଛି ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଗ୍ରାଫ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଲେବର୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବା 4 ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଛି ତ ଏଇ 4 ଗ୍ରାଫ୍ ଭିତରୁ ଆମେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ବା କେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟି ଆମେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଫିଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲେବର୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଲେବର୍ ରେକର୍ଡ଼ ନା ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ନା ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଗ୍ରାଫ୍। ତ ଆମର ଲେବର୍ରେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଫିଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ତ 4 ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରାଇଟ୍ ହେଲା କି ରଙ୍ଗ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍। ତ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଫିଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୁଏ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଲେବର୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ରେ ହିଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୁଏ। ତ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ତ ତାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦ ପାଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅର୍ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କି ଡାଟା ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲେବର୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ପେପର୍ ରହିବ ସେଇଥିରେ ଆମର ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଆମର ଫିଟାଲ୍ର ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ କି ଡାଟା ରହିବ ଲେବର୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟସ୍ ମାଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଡାଇଲେସନ୍ ଆଉ ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର ମେନ୍ଲି କି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ବା ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଡାଇଲେଟେସନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବି ତା'ଦେହରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର୍ ବି ତା'ଦେହରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଦେନ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ ବି ଆମେ ତା'ଦେହରେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଫିଟାଲ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ସବୁ କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା କି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ଏଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫିଟାଲ୍ ୱେଲ୍ବିଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆସିଲା ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିକ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ ମୋଲ୍ଡିଂ ଦେନ୍ ଲେବର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଇଲେଟେସନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଆଉ ରହିଲା ୟୁଟେରାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେଡିକେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ କି ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ୱେଲ୍ବିଂ ଯେଉଁଟାକି ବିପି ପଲ୍ସ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ ଦେନ୍ ୟୁରିନ୍ ଆଲ୍ବୁମିନ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏସିଟୋନ୍ ଦେନ୍ ୟୁରିନ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାଫ୍ଟି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆମର ଫିଟାଲ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଏର୍ଲି ଆସେସ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ବି ମ୍ୟାଟର୍ନାଲି ଆମର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଏର୍ଲି ଆସେସ୍ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଟୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ଦର୍ ଆରାଇଜ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଗଲେ ପାଟୋଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ର 10 number ଏ ନର୍ସ ପରଫର୍ମ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ସିଜୋରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ହ୍ୱିଚ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ନିଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦ ଡକ୍ଟର। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଜଣେ ନର୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଣେ ସିଜୋରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଜଣେ ସିଜୋରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଯିବେ ତ ନର୍ସ ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ ତା'ର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଫ୍ 11 grams ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ 84 ବିଟ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ନା ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ 180 ବିଟ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ 12,000 mmQ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ କହିଲା
ନା ଜଣେ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ସିଜରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହଁ ଟିକେ ମାନେ ଡେଭିଏଟେଡ଼୍ ଅଛି ଯାଇକରି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କ'ଣ ନା ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଯଦି 180ରୁ ଏଭବ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଗ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଆର କାରଣ କ'ଣ ଆପଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଫ୍ 11 ଗ୍ରାମ୍ ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 11 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ 84 ବିଟ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯଦି ବି ମାନେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 12,000 mmQ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ WBC କେତେ ନର୍ମାଲ୍ WBC ହେଉଛି 4,500ରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା 11,000 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକରି କହିବାନି ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଅପସନ୍ ସି ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ 180 ବିଟ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲି ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ 120ରୁ 160 ହେବା କଥା ଆଉ ମେନ୍ଲି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ଥାର୍ଡ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟର ଅଛି ବା ସିଜରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ 120ରୁ 140 ଭିତରେ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଫେଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ 180 ବିଟ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଆସିକରି ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଆ ଭିତରେ ଆମର କେଉଁଟା ଡିଭିଜନ୍ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଯଦି ଆମର 180 ବିଟ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଯାଇକରି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ସବୁ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ନର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଅକର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ତ ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ଆମର କେତେ ମାନେ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ବା କେତେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମର ହେଇଥାଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଆମର କେତେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ହେଇଥାଏ ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 20ରୁ 37 ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ନା 32ରୁ 36 ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ନା ଆମର 16ରୁ 20 ୱିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ନା ଆମର 24ରୁ 30 ୱିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ କହିଲେ ଆମର କେତେ ୱିକ୍ର ଆମେ ତାକୁ କହୁ କେତେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଯଦି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କେତେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମର ଲେବର୍ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବତେଇବାର ଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ତ ତଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 20ରୁ 37 ୱିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମର 20ରୁ 37 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଆମର ଲେବର୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଯଦି 37 ୱିକ୍ସ ପରେ ହେଉଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଖାତା କଲମରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଲାଇଫ୍ ସାରା ଯେମିତି ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଯେମିତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ଅକର୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସର୍ଭିକ୍ସ ଆଫ୍ଟର ୱିକ୍ 20 ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ୱିକ୍ 37 ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ କ୍ୟାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ବାର୍ଥ ଦ ଆର୍ଲିଅର୍ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ବାର୍ଥ ହାପେନ୍ସ ଦ ଗ୍ରେଟର ଦ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ବେବି କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଆମର ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମର 20ରୁ 37 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ବୋଲି କହିବା ଦେନ୍ ସେତେବେଳେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ରେ ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରି ମାଚ୍ୟୁର ବାର୍ଥ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ଲି ହାଇ ରିସ୍କ ବେବି ବା ଆମର ବେବି ପ୍ରତି ହେଲ୍ଥର ରିସ୍କ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆମର ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ନଲେଜ୍ ହେଇଥିବ କି ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ କ'ଣ ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍ କ'ଣ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଫୋନ୍ପେ ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କାପାବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା
तो यही भाव आमको सपोर्ट करता आम आपको यही भाव इंटरेस्ट भिडियो प्रोवाइड करूँ देन जब भिडियो भल लगी आपको निश्चय भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपंक सब ग्रुप आपंक सब सांग सहित भिडियो सेयार करूँ आउ हाँ जब चैनल को सब्सक्राइब करना जैसे एवं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन को अल्ले रखु जदि आपने ह्वाट्सअप आ टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक विजिट करूँ आठ जॉइन हो जातु जमीक छोट बड़ अपडेट सर्वप्रथमें आपने ठीक अच्छे आज यही भिडियो रखा नेक्स्ट देखा आगे एमती गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो सहित आज रही जय जगन्नाथ।